आपको चावल की फूलवड़ी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बच्चों को फ्रेंड्स इस तरह के स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बच्चों को जब भी स्नैक्स खाने का मन करता है तो वो पैकेट वाले स्नैक्स चिप्स वगैरह लेके आते हैं मार्केट से। तो क्यों ना दोस्तों आप इस तरह के ही स्नैक्स बच्चों को घर पर बनाकर खिलाइए। ये चावल की फूल वड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रेसिपी शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक मोटे तले वाला यानी हैवी बॉटम का भगोना लिया है, जिससे कि फूल वड़ी इसमें चिपकेगी नहीं। और यहाँ पे मैंने एक किलो चावल के आटे में हमें 9 लीटर पानी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लीटर पानी को बॉईल करने रख दिया है। 5 लीटर पानी जब थोड़ा सा बॉईल होने लग जाए तब इसमें हम 25 ग्राम नमक ऐड करेंगे और 25 ग्राम इसमें हम खार ऐड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं राजस्थान में मिलने वाली साजी जो खार के रूप में यूज़ होती है मैं उसका पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर दोस्तों आपको साजी का पानी या साजी नहीं मिले तो आप फूल खार यानी जो हम पापड़ के अंदर पापड़ खार डालते हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और वो भी हमें 25 ग्राम ही इसमें ऐड करना है। ये साजी का पानी है दोस्तों, इसका बहुत सारा प्रोसेस है बनाने का, मैं किसी दिन आपको इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। ये खास करके पापड़ के लिए यूज़ होता है खार, और इसके पापड़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जब तक पानी बॉईल हो जाता है तब तक हम चावल को पानी में घोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल का आटा लिया है, इसे हम 3 से 4 लीटर पानी में अच्छे से घोल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप घोटनी से या ग्राइंडर से आप किसी से भी इसे इस तरह से अच्छे से घोल लीजिए विदाउट लम्स, एक भी लम्स या गुठले इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हमारे जो हम बैटर बनाएंगे उसके अंदर पूरे गुठले रह जाएंगे। तो आप ध्यान से इसमें थोड़ा थोड़ा चाहे तो आप पानी ऐड करके भी इस तरह से इसका बना सकते हैं बैटर। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आटे के अंदर यहाँ पे 3 लीटर में पानी यूज़ कर रही हूँ, तो 5 लीटर पानी हमने गर्म करने रख दिया है। 3 लीटर पानी इसके अंदर मैं ऐड करके इसका एक घोल तैयार कर रही हूँ, और 1 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे, यानी टोटल हमें यहाँ पे 9 लीटर पानी यूज़ करना है 1 किलो चावल के आटे में। तो ये सब आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 किलो चावल के आटे में 25 ग्राम नमक, 25 ग्राम खार और 9 लीटर पानी। तो इस तरह से बैटर तैयार हो गया। पानी अच्छी तरह से उबल जाने पर हम इसमें चावल का जो हमने बैटर तैयार किया है उसे डालेंगे, और इसे हम जल्दी जल्दी लगातार चलाते हुए हिलाएंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा और इसमें लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसमें चावल का बैटर डालें उसे फटाफट से आप इस तरह से हिलाइए ताकि इसमें लम्स ना बने और ये नीचे तले से लगे भी नहीं, जले भी नहीं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर दिया जो हमारा चावल का उसमें बैटर लगा हुआ था। तो टोटल मैंने यहाँ पे 9 लीटर पानी यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून जीरा इसमें ऐड करेंगे, और इसे एक बार हम तेज़ आंच पर ही लगातार चलाते हुए उबाल आने तक इसे इस तरह से पका लेंगे। इसे आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों बीच में। देखिए इसमें लगभग ये बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, बबल्स आ रहे हैं इसमें थोड़े थोड़े। तो ये बबल्स आने के बाद या बॉईल होने के बाद हम आज धीमी करके इसे 10 से 15 मिनट और पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, साइड साइड से इसमें बबल आने दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ ताकि ये नीचे लग ना जाए। आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े बबल्स आने चालू हो गए हैं। अब हम गैस धीमी करके इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। 15 मिनट तक ये अच्छे से पक चुका है बैटर हमारा। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे मैंने 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया है बीच बीच में हिलाते हुए। अब हम गैस बंद करके इसे आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे।
तो ये रहा दोस्तों, मैंने गैस बंद कर दी है और इसे ढक्कन देकर आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बैटर थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे ये बैटर ठंडा होगा वैसे वैसे बैटर गाढ़ा होता जाएगा। तो थोड़े से बैटर को मैंने एक अलग से बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। तो मैं आपको आज यहाँ पे दो तरह से वड़ी बनाना सिखाऊंगी, एक हाथ से किस तरह से वड़ी देते हैं और एक कोन बनाकर हम कोन से वड़ियाँ निकालेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी खाली पॉलीथीन ले ले और इस पॉलीथीन को ऊपर से कट करके इस तरह से ग्लास में रख दीजिए और फिर इसमें बैटर डालिए। बैटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा नीचे से पतला सा कट कर लेंगे ताकि इसमें से बैटर इजीली और आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने बैटर भर लिया है, ऊपर से हम रबड़ लगा लेंगे एक। वड़िया सुखाने के लिए दोस्तों आप इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की शीट लगा ले और उसे इस तरह से चारों साइड में छोटी छोटी टेप लगा ले ताकि हवा से ये उड़े ना, नहीं तो सारी वड़िया मिक्स हो जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको हाथ से किस तरह से वड़ी देते हैं वो बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा बैटर इस तरह से हाथ में लिए और चार उंगली और अंगूठे से ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से वड़ी दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ी सी दूरी पे हमें वड़ी देनी है वरना ये फैल कर एक दूसरे को चिपक जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों कि इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर वड़ी देनी है चावल की। और ये दूसरा तरीका है दोस्तों कोन का। तो कोन के अंदर मैंने बैटर बनने के बाद इसमें कैंची से एक छोटा सा छेद कर लिया था कट लगा के, तो इस तरह से ये इजीली बैटर निकल जाता है। तो आपको जो इजी लगे दोस्तों आप उस तरीके से वड़िया बना ले चावल की। आप कोन बनाकर भी बना सकते हैं और अगर आपको हाथ से इजी लगे तो आप हाथ से भी देकर बना सकते हैं। दोनों ही एक जैसी ही बनती है क्योंकि काफ़ी लोगों को हाथ से बनाने में नहीं आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से कोन बनाकर इजी मेथड से चावल की वड़िया बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारी लगभग सभी चावल की वड़िया बनकर तैयार हो चुकी है और ये कोन से काफ़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। ये चावल की वड़िया दोस्तों हमने रात में बनाई है क्योंकि रात की ठंड में कहते हैं कि ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप चाहे तो इसे सुबह सुबह भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो रात की हवा में थोड़ी अच्छी सी सूख जाती है और दिन में जब धूप आएगी तो ये काफ़ी अच्छे से सूखकर बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम अब सूखने देंगे दो दिन तक। तो आज मैंने आपको दो तरह से वड़ी बनाना सिखाया है। पूरा एक दिन धूप में सूखने के बाद दोस्तों ये इस तरह से वड़िया प्लास्टिक से उतर जाएगी। तो हम इसे प्लास्टिक से पूरी तरह से उतार लेंगे और एक दिन सुखाएंगे। इसे हम इस तरह से पूरी प्लास्टिक से हटा लेंगे दोस्तों ताकि ये जो अंदर से भी गीली है वो भी सूखकर तैयार हो जाए। और इसे हम एक से दो दिन तक और अच्छे से धूप में सुखाकर तैयार कर लेंगे। इसे पूरी तरह से सूखने देंगे। तो तीन दिन धूप लगने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वड़िया काफ़ी अच्छी सूख चुकी है, फुल वड़िया। तो इसे आप पूरी तरह से सूखने के बाद पूरे साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर बिना तले हुए है। जब भी आपका मन करे इसे थोड़े से तेल गरम कीजिए और इन्हें तलकर इसका मज़ा लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म होने पर ही इसमें हम चावल की वड़िया डालेंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें कुछ चावल की वड़िया डालकर इन्हें स्लो गैस पर ही हमें तलना है। तो इसे हम इस तरह से पलटकर तल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूलकर बनकर ये तैयार हो चुकी है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसे हम बस एक या दो मिनट के अंदर ये तल जाएगी। तो हम इसे तुरंत तेल से बाहर फिर निकाल लेंगे। जैसे ही फूलकर तैयार हो जाएगी इसे हम तुरंत तेल से बाहर निकाल लेंगे वरना ये लाल हो जाएगी। तो इस तरह से मैं एक बार और तलकर आपको दिखा देती हूँ। इसमें हमने कुछ चावल की वड़िया डाल ली और इसे तुरंत पलटकर इसे हम तैयार कर लेंगे। आप एक खींचा पापड़ तलते हैं, आपको उसी प्रकार इसे भी तलना है।
ये देखिए, इस जैसे ही ये फूल जाए इसे आप तुरंत तेल से बाहर निकाल लीजिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे चावल की फूल वड़िया। आप चाहे तो दोस्तों इस पर हल्की सी लाल मिर्च भी छिड़क सकते हैं, वरना यह ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। इसे दाल, चावल, खिचड़ी या बच्चों को टिफिन में कैसे भी खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं ये फूल की तरह ही खिलकर तैयार हुई है, तो इसलिए इसे चावल की फूल वड़िया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो और इसका बनाने का तरीका भी पसंद आया हो। अगर प्लीज़ फ्रेंड्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।